कमरान साहब के पास ये कैश था, इन्होंने सुनहरी बैंक से ये कैश ड्रॉ करवाया था और इसकी एफआईआर हुई। इनसे जिन्ना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर के पार्किंग लॉट में ये स्नैचिंग हुई। इन्होंने रिपोर्ट की, केस दाखिल हुआ 299/2019 395 के तहत पीपीसी। इन मुलजमान ने जो अभी जो तफ्तीश शुरू हुई है, इन मुलजमान ने ये रकम जो है वो डिफेंस व्यू में जो अपार्टमेंट्स बने हुए हैं वहाँ आपस में तकसीम की, जिनके हिस्से में 33-33 लाख रुपए आए हर मुलजम के हिस्से में। और जो आज की हमारी रिकवरी है वो 3 मिलियन की है, 30 लाख रुपए कैश जो कि बाहर हमने दिखाया भी है आपको कि वो रिकवर हुआ है। और जो बाकी रकम है उसके लिए कोशिश है, इन्होंने कुछ जहाँ जहाँ प्रॉपर्टी खरीदी होगी, अगर इन्होंने कोई गाड़ियाँ भी ख़रीदी हैं तो वो भी डिस्पोज ऑफ करके और माल मुकदमाती शो करके हम इसको बिल्कुल सबके सामने रखेंगे। नेचुरली DHA हमें चैलेंज देता है मुख्तलिफ जावियों से, जिसमें कैश स्नैचिंग एक बहुत सीरियस चैलेंज होता है हमारे लिए, पर्टिकुलरली साउथ ज़िले की मैं बात करूँगा। और इसी तरह गाड़ियों की स्नैचिंग, और पिछले साल तो जो हमारे पास फिगर्स थे 37 सरकारी गाड़ियां स्नैच हुई थी, इस साल उसमें नुमाया कमी है क्योंकि AVLC एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल और हमारी आपस में जो कोऑर्डिनेशन है उसकी वजह से उसमें नुमाया कमी है गाड़ियों की, फोर व्हीलर्स की स्नैचिंग में। हाउस रॉबरीज में मैंने जिस तरह कहा कि महीना पहले जो 3 गैंग्स डिटेक्ट हुए, अरेस्ट हुए वो लोग, तो उसके बाद अब हाउस रॉबरीज की शरह इस वक्त महीने में अनफॉर्चुनेटली अभी भी 2 से 3 हाउस रॉबरीज रिपोर्ट हुई हैं पिछले 2 माह में DHA में। बिल्कुल रिलीजियसली और डेडिकेटेड तरीके से इंक्रोचमेंट हटाई जाएगी। इसमें हमारा एक जामा प्रोग्राम है और इसमें जितने और महकमे हैं जो हमारे साथ इंगेज करना चाहते हैं, जिनको हम रखेंगे अपने साथ, इसमें एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का, इसके अलावा जो मेट्रोपॉलिटन के कुछ यूनिट्स हैं, कमिश्नर साहब का ऑफिस है, सबको हमने ऑन बोर्ड किया। और ये इस दफ़ा फिर आप देखेंगे कि इस हफ्ते में PD सदर इम्प्रेस मार्केट के अराउंड जो भी इंक्रोचमेंट्स तजावज़ आते हैं उनको हटाया जाएगा।